बेसिकली आर्गनाइजेशनस के अंदर मुख्तफ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं डिवेलपमेंट ऑफ एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन प्रोग्राम अगर आर्गनाइजेशन के पास किसी किस्म के ऐसे प्रोग्राम डिवेल्प नहीं हैं जो कि उस एक्सीडेंट के हो जाने के बाद उसको ओवरकम कर सकें तो वो आर्गनाइजेशन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं सबसे अहम बात स्टूडेंट्स ये है कि आर्गनाइजेशन के अंदर कोई एक्सीडेंट्स होता है तो इतने अच्छे प्रिवेंटिव मेजर होने चाहिए कि वह एक्सीडेंट अक्ल ही ना हो लेकिन सम टाइम हमने ये देखा है डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ मूवमेंट दैन एंड नो के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन में बाजात एक्सीडेंट्स अक्ल हो जाते हैं जैसा कि अगर हम देखें कि सम टाइम वाइडली यूज एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक्स इंक्लूड्स फेलियर मिनिमाइजेशन फेल सेफ डिज़ाइन आइसोलेशन लॉकआउट स्क्रीनिंग ये पॉइंट्स आपके लिए बेटा लिखे हुए हैं इसमें यह बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी किस्म की एक्टिविटी हो जाती है तो इस किस्म का मैकानिज हो कि उसके अंदर ना हो redundancy कहते हैं किसी इवेंट का एक दफा होना और उसके बाद दोबारा फिर होना इसको रिडेंडेंसी कहते हैं वी हैव प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके पास प्रिवेंट मैय हैं प्रिट मैयर के साथ साथ ऐसा एस ओ आपने डिप कर लिया कि वो इवेंट अगर ना हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन विल बी पार्ट ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेश हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव इन वर्ल्ड वार वन एंड वर्ल्ड वार टू इंडस्ट्री डिस्कवर दिन बिटवीन क्वालिटी एंड सेफ्टी वर्ल्ड वार वन आपको मालूम है कि ये स्टार्ट में उन्नीसवीं सदी के अंदर 1916 के हवाले से देखी गई और 1939 से 45 के बीच में वर्ल्ड वार टू देखी गई अब ये दोनों जो दुनिया की अजीम जंगें हुई उसमें बहुत से ममालक इन्वॉल्व थे अब उसके हवाले से अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री बेसिकली जो इंडस्ट्री है चाहे वो टेक्सटाइल है सीमेंट है एग्रीकल्चर है या कोई भी इंडस्ट्री है उसके अंदर क्वालिटी और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर क्वालिटी क्वालिटी क्या है क्वालिटी इज दैट थिंग विच इज़ इन द माइंड ऑफ कस्टमर कस्टमर इज द पर्सन हु विल बाय द प्रोडक्ट कंज्यूमर इज द पर्सन हु विल कंज्यूम द प्रोडक्ट कस्टमर कंज्यूमर क्वालिटी ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कस्टमर कंज्यूमर क्वालिटी अगर कस्टमर को क्वालिटी नहीं मिलेगी तो वो कभी भी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करेगा और स्टार्ट में पहली दफ़ा प्रोडक्ट कंज्यूम करने से पहले आपने बाय करनी है डेफिनेटली बाय करने से पहले आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे होंगे जिनको देखते हुए कस्टमर उसको बाय कर देगा अगर वो एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं हैं या प्रोडक्ट में नहीं है तो वो कस्टमर कभी भी उसको बाय नहीं करेगा एक बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने इफ़ यू वुड लाइक टू बिकम अ गुड बिजनेस मैन वट योर प्रोडक्ट इज क्लेमिंग दोज एट्रीब्यूट मस्ट बी पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट इफ़ दोज एट्रीब्यूट्स आर नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट योर प्रोडक्ट इज नॉट सक्सेसफुल तो ये क्वालिटी के एस्पेक्ट थे क्वालिटी के साथ सेफ्टी जो प्रोडक्ट अगर आप किसी को देते हैं तो उसकी पैकेज इंटरनल एक्सटर्नल उसके ऊपर कवर रैप अप ये तमाम चीज़ें क्यों की जाती हैं उस प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए अगर वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सेफ मेकानिज़म डेवलप कर ले और वहाँ पर यह प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले इन चीज़ों को इंशोर कर ले तो वो प्रोडक्ट उसकी सेफ्टी के साथ साथ एक्सीडेंट प्रिवेंट करने का भी बास बनेंगे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बेसिक एक्सीडेंट प्रिवेंटरी प्रोग्राम्स हैं इनको डिस्प्ले किया जाता है अगर इनको डिस्प्ले ना किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम इंप्लाइज उससे फेमिलियर नहीं हो सकते अब हर इंप्लाई को मालूम होना चाहिए इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी इन केस ऑफ एनी सिचुएशन इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स व्हाट आर द प्रिवेंटरी मेयर और सब अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंप्लाई को ट्रेनिंग देती हैं और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं वहाँ पे इंप्लाईज को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती और जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं ट्रेनिंग बेसिकली है क्या ट्रेनिंग बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन सो ही अर शी कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन अ बेटर वे ये नॉलेज की ट्रांसफॉर्मेशन है एक बंदे से दूसरे बंदे में ताकि वो अच्छे अंदाज में अपनी जॉब परफॉर्म कर सके जैसा कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू

अलाइड कंट्रीज वाज़ नॉट गुड जब आपको मालूम है कि मुल्क के अंदर खाना जंगी या जंगी सिचुएशन पैदा हो जाए तो आपको लेबर फोर्स आसानी से अवेलेबल नहीं होती जब लेबर फोर्स आसानी से अवेलेबल नहीं होगी तो डेफिनेटली दी प्रोडक्शन ऑफ सफर। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा शॉटेज ऑफ लेबर फोर्स का सामना करना पड़ा वर्ल्ड वार टू में तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि हाउ वी कैन मैनेज दैट पर्टिकुलर स्केटी ऑफ द इम्प्लाइज इन ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम है कि जो इम्प्लाईज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग अगर की जाए तो कम एम्प्लॉज भी ज़्यादा एम्प्लॉज का काम कर सकते हैं ये चीज़ पहली दफ़ा उनको रियलाइज़ हुई ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड वार टू में फिर उसके ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ जिसके नतीजे में इंप्लाईज़ के अंदर नॉलेज स्किल एबिलिटीज में इजाफा होना शुरू हुआ अगर इस डिवेलपमेंट को देखा जाए जो कि अमेरिका के अंदर हुई पर्टिकुलर वर्ल्ड वार वन और टू के हवाले से तो उसमें अकॉर्डिंग टू एस एम ई एस एम ई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है अराउंड दिस टाइम इंडस्ट्री बिगेन टू रियलाइज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट इम्प्रूव इंजीनियरिंग कुड प्रिवेंट एक्सीडेंट इंजीनियरिंग है क्या And अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की या कोई भी इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग के अंदर बेटर डिजाइन होता है कंस्ट्रक्ट होता है मेंटेन होता है जब भी तीन चीजें होंगी तो वो इंजीनियरिंग होगी मसलन सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में जो अच्छा सिविल इंजीनियर है वो चीज़ों को डिज़ाइन करेगा मस्टर ब्रिज ही शी वुड लाइक टू हीप सम ब्रिज तो ब्रिज का पहले डिजाइनिंग है फिर उसकी कंस्ट्रक्शन है फिर उसको मेनटेन रखना है लंबे अरसे तक तो ये सिविल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन हो गई इसी तरह जो अच्छी इंप्रूव्ड इंजीनियरिंग है कुड प्रिवेंट एक्सीडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट हो ही ना अगर हो गया है तो उसको मैनेज करना है इन दोनों चीजों के लिए हमने इम्प्रूव एस ओ पी डेवेल्प करने हैं जिसको इम्प्रूव इंजीनियरिंग कहते हैं वर विलिंग टू लर्न एंड एक्सेप्ट सेफ्टी रूल अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एस ओ पी बने हुए हैं लेकिन इंप्लाई वो सीखना नहीं चाहते या अपने पे अप्लाई नहीं करना चाहते तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने एक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सकती है नहीं कर सकती जैसा कि अभी कोरोना वायरस पाकिस्तान के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है गवर्नमेंट मुख्तलिफ जगहों पर बयान दे रही है कि आप एस ओ पी फॉलो करें बेटे अगर आप एस ओ पी फॉलो नहीं करेंगे हु विल बी अफेक्टेड हु विल बी अफेक्टेड जनरल पब्लिक विल बी अफेक्टेड वो क्यों अफेक्टेड है कि आपने एस ओ पी फॉलो नहीं किए सेम इसी एग्जाम्पल को उठा के ऑर्गेनाइजेशन में देखें अगर इम्प्लाई लर्न नहीं करना चाहते एक्सेप्ट नहीं करना चाहते चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो कैसे वहाँ पे एक्सीडेंट की प्रिवेंशन हो सकती है नहीं हो सकती तो इसलिए लाजम है कि आर्गनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट से बचने के लिए तमाम रूल्स एंड रेगोलेशन डिवेल्प किए जाएँ इम्प्लॉज़ को कन्वे किए जाएँ और कन्वे करने के साथ इंप्लाई उसको अडॉप्ट करें और आर्गेनाइजेशन के अंदर हर इम्प्लाई को मालूम हो कि अगर ये एक्सीडेंट हो जाता है इन अनसर्टन सिचुएशन हाउ यू कैन प्रिवेंट दिस एक्सीडेंट सेफ़्टी रूल्स कोड भी एस्टैब्लिश्ड एंड एनफोर्सड सेफ्टी रूल्स सिर्फ डिवेल्प ही ना किए जाएँ बल्कि उनको एस्टैब्लिश किया जाए और उनको एनफोर्स किया जाए और तमाम इम्प्लाई पे इन्फोर्स किया जाए और एंड इट मस्ट बी पार्ट ऑफ आर्गेनाइजेशनल कल्चर अगर ये सेफ्टी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का हिस्सा नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि वो वीक ऑर्गेनाइजेशन है लास्ट पॉइंट इस स्लाइड का जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग इन सब चीज़ों की मदद से क्या कर सकते हैं बेटा आप इन सब की मदद से फाइनेंशियल सेविंग कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा फायर की वजह से लॉस हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ें जा सकती हैं ह्यूमन लॉस हो सकता है अब इन सब चीज़ों को अगर कैलकुलेशन की जा सके तो इसमें फाइनेंशियल लॉस सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और उससे भी इंपॉर्टेंट ह्यूमन लॉस है इनसे बचा जा सकता है फाइनेंशियल सेविंग फ्रॉम सेफ्टी इंप्रूवमेंट कुड बी प्रिपेयर्ड बाय सेविंग्स इन कंपनसेशन एंड मेडिकल बिल अगर वहाँ से पैसा बच जाता है तो आप इम्प्लॉय को कंपनसेट कर सकते हैं उनकी फाइनेंशियल फिजिकल वेलबींग well को इम्प्रूव करने के लिए आप उनको बोनसेस सैलरी में इंक्रीमेंट दे सकते हैं अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है इसके हवाले से वो है डिवेलमेंट ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम इन अर्ली सेफ्टी प्रोग्राम वर बेस्ड ऑन थ्री ईज थ्री ईज का मतलब है नंबर वन ई फॉर इंजीनियरिंग नंबर टू ई फॉर एजुकेशन एंड थर्ड ई फॉर एनफोर्समेंट अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंजीनियरिंग एजुकेशन और एनफोर्समेंट हो तो वहाँ पे थ्री ईज के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी आर्गेनाइजेशन काम तो करेगी लेकिन हेल्थ सेफ्टी ऑकोपेशन सिक्योरिटी इम्प्लाई सेफ्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी इसके लिए लाजम है कि वहाँ पर हमारे पास इंजीनियरिंग हो जिसमें डिज़ाइनिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस हो एजुकेशन हो एजुकेशन में रिगार्डिंग दी कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ऑर्गनाइजेशनस के अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं जो भी जैसे कि अभी हम हेल्थ की बात कर रहे थे अभी एक्सीडेंट की बात कर रहे थे इसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं अगर ये इम्प्लॉई को टीच नहीं करेंगे एजुकेट नहीं करेंगे और उनको इनफोर्स नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिवेल्प नहीं होगा अब बेसिकली जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है ये डिवेल्प की गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लासीज को रिकवर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली जो एन एस सी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स है इसकी डिवेलपमेंट का प्रैक्टिस का प्रोसीजर का मकसद ही ये था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लॉसिस होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनसे बचा जा सके और लास्ट जो पॉइंट इसके साथ स्लाइड का हिस्सा है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन आकोपेशनल कंसेप्ट बेटा गौर करें ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि 1970 में इस्टेबल की गई जिसका प्रायमरी मकसद ही ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी एसोसिएशन कैसे डेवलप की जा सकती है और इस स्लाइड में मैंने आपको ये बयान किया कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल इस्टेब्लिश की गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और स्टार्ट 2000 से अगर उससे पीछे जाएं हम लोग को टू डिकेड पीछे चले जाएं 1970 में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट डेवलप किया गया और उसका प्राइमरी मकसद क्या था एम्प्लई की हेल्थ और सेफ्टी का डेटा बनाया जाए डेटा बेस कंप्यूटर में वो जगह है जहाँ पे एम्प्लॉ का डेटा स्टोर किया जाता है और जब हमें उसकी नीड होती है आप उसको लेके रिकवर करके कहीं यूज कर सकते हैं एम्प्लॉ की हेल्थ और सेफ्टी का डेटा बेस बनाना ये 1970 में काम शुरू हुआ था मसलन एक एम्प्लॉक डायबिटीज है उसको शुगर है वो जो इम्प्लॉज जिसको शुगर है उसको साथ प्रॉब्लम्स है बी की ब्लड प्रेशर की अगर वो एम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है अपने जीपी जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसकी हिस्ट्री मेंटेन कर लेता है तो उसको इन दो डिजीज के अलावा और क्या डिजीज है अब इम्प्लाई का इस तरह का डेटा प्रिपेयर करना डेटा के अंदर स्टोर किया जाएगा जो कि नाइनटीन में बेटा काम इस पर शुरू किया गया था अगर इसको देखा जाए डिवेलपमेंट ऑफ सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन तो ये पिक्टोरियल इफेक्ट है जो मैंने आपके सामने शो किया है

ये कंप्रीहसिव एनुअली प्लान डेवलप करते हैं कि तमाम इंप्लाई का डेटा इस रिपोर्ट का हिस्सा होती है